भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जानलेवा लापरवाही सामने आई है और आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 3 घंटे के अंदर 3 कोरोना मरीज की मौत हो गई। दरअसल अस्पताल में आईसीयू के ऑक्सीजन पैनल में खराबी के बहाने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली निजी एजेंसी अस्पताल प्रबंधन से अपने बकाए की रकम वसूलना चाह रही थी और बगैर सूचना के ऑक्सीजन के सेंट्रल पैनल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया, जिससे भागलपुर के लालूचक की रेणु देवी, पीर पैंती के अजीत दास और शंभूगंज के चंदर सिंह की मौत हो गई। अब अस्पताल प्रबंधन जांच में जुटी है कि ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक क्यों हुई। वहीं हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ए के भगत ऑक्सीजन सप्लाई से मौत नहीं होने की बात करते हुए पूरे मामले की जाँच की बात कह रहे हैं। ए के भगत हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, ये क्या कमेटी अभी बनाई नहीं गई, हम लोग कमेटी बना करके उसे हमने दूरभाष से उसके एजेंसी को खबर कर दिया है कि आप पाइपलाइन की पूरी जांच कराएं ताकि इस तरह के घटना दोबारा ना घटित हो। सर, इससे पहले भी एक महिला की मौत हो गई थी, वेंटिलेटर लाइट कर दिया था। लाइट में गैस का कोई सप्लाई की बात ही नहीं होती। ऐसी घटना सर क्यों हो रही, कभी गैस सप्लाई कम? लाइट तो चूँकि हमारा अपना है नहीं, वो तो सरकार के द्वारा आता है, किसी भी कारण से कभी घट जाता है तो गैस की सप्लाई तो रहती ही है उस समय। गैस हमारा जो है उसको बिजली की आवश्यकता नहीं होती है चलाने की। सर, एक बात और सामने आ रही है कि जो एजेंसी है गणपति सप्लाई एजेंसी, जो कि ऑक्सीजन का काम अस्पताल में देख रही है, कुछ भुगतान की समस्याएं हैं जिससे निराश कर्मचारियों ने जानबूझकर जो है ऐसा लापरवाही भरा कदम उठाया है, पैनल को बंद कर दिया जानबूझकर। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि उस समय सारे कर्मचारी उसके कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं। ऐसा सिर्फ अफवाह है? इस तरह की सूचना हमें नहीं दी गई। अगर जांच में कुछ लोग दोषी पाए जाते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जांच में दोषी की, क्योंकि मेरे चिकित्सक उस समय जिसमें मौत हुई है, जिसमें घटना घटित हुई है, उस समय अंदर में ही थी, कार्यरत थे। हमने पर्सनली जाकर उनसे पूछा है, हम उन्होंने कहा भी है कि हाँ कुछ देर के लिए 1.5 मिनट के लिए मेरा ऑक्सीजन का प्रेशर डाउन हो गया, उसे हड़बड़ा करके सिलेंडर लगाने लगे।